वेलकम बैक टू माय टू पेपर है का। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के वीडियो में देखने वाले जो भी छात्र आगरा यूनिवर्सिटी से हैं उसके लिए हम 2022 में लेके आए ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे और आपका पेपर हो जाएगा। आप जानते हैं तो डिफेंस जो है डिफेंस की बात करेंगे तो जो रक्षा से रक्षा कहा जाता है डिफेंस एंड स्टडीज की बात करने वाले हैं जिसे हम सैन्य अध्ययन भी बोला जाता है रक्षण सैन्य अध्ययन पर तो ये पेपर का नाम हो जाएगा। और यहाँ इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% ला सकते हैं लगभग। देखो आपको पता है आगरा यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर के होंगे। वो आपके रिटन एग्जाम होगा 75 नंबर का तो आपको समझ सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि वो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं 2-4 क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे अति लघु उत्तर प्रश्न में हो भी सकता है जो रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोले आपसे तो आपको उसके जगह पे क्या करना है बेटा हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे उसको हम वीडियो बनाकर दे देंगे एमसीक्यू क्वेश्चनों की। फिलहाल आप रिटन एग्जाम के लिए बस इतने तैयार करना है इसके अलावा कुछ नहीं करना। लगभग ये 20-25 क्वेश्चन के बीच में है ठीक है और यहां से 17 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं एग्जाम में तो याद रखना यहां से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि आपको 85% दिला करूंगा पेपर जैसे ही आ जाए पेपर आपका हो मुझे तुरंत सेंड करना मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि आपके पेपर में आ रहा है ठीक है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे पेपर हैकर को ठीक है। और यदि आपका देखो एक चैनल और है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बीए बाई पेपर हैकर। आप और भी पेपरों की वीडियो देखना चाहते हैं कि जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया सोशियोलॉजी हो गया हिंदी हो गया तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में बिल्कुल नीचे जाइए वहां लिंक दे रखा है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 2022 में आने वाले क्वेश्चन आप उस पर टच करिए। पहले फर्स्ट ईयर को देखने को लेंगे उसके बाद में आप नीचे आगरा यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी सबको यूनिवर्सिटी को अलग अलग डाल रखा है जाकर देख सकते हैं ठीक है। और अब बीए बाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहाँ केवल आपको बीए की वीडियो देखने को मिलेगी आप वैसे ही देख सकते हैं कोई इशू नहीं है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दूसरे चैनल का। यहाँ बात करने वाले हैं पहला क्वेश्चन है रक्षा एम और रक्षा एवं स्थानिक अध्ययन या फिर सैन्य अध्ययन से बोला जाता है उसके उपाय उसके महत्व के बारे में देखेंगे और युद्ध क्या होता है उसकी विशेषता क्या होती है युद्ध होता क्या है युद्ध कैसे किया जाता है उसकी विशेषता क्या है। और साथ ही साथ आप जानते हैं जब विशेषता की बात करेंगे तो युद्ध के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से उनको आप याद कर लेंगे वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आश्चर्य युद्ध का सबसे देखो कह रहा है युद्ध का सबसे अधिक घातक तत्व क्या होता है सबसे घातक तत्व के बारे में बात करने वाला है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आक्रमण करो को होता है आक्रमणात्मक कार्यवाही ठीक है उसको आपको देखना है। और उसके बाद में आता है युद्ध राजनीति का एक साधन है आपको इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक जो युग है उसके कर्म के स्वरूप की विस्तार आपको करना है ठीक है। तो आधुनिक जो कह सकते हैं युद्ध कर्म है उसका संपूर्ण विस्तार करना है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। उसके बाद में ये वाला वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिटिक लगा लो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि छापा युद्ध जो छापा मार युद्ध होता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसके विस्तार के बारे में ठीक है। और एक होता है देखो मैं आपको बताता रहूँगा छापा मार ये बोला गया देखो छापामार जो विरोधी होता है उसके आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं इसको पढ़ लेना एक बार। आप जब पढ़ लोगे ना क्वेश्चन को तो बना बना के लिखा हो मतलब क्वेश्चन आपको याद हो या ना हो लेकिन बना बना के भी लिखा आना यदि नहीं फंस रहा है आपको तो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है ठीक है। उसके बाद में है मनोवैज्ञानिक युद्ध क्या होता है मनोवैज्ञानिक युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है आप इसको पढ़ लेना इसके साधन कौन कौन से उसके महत्व कार्यों के बारे में याद कर लेंगे। उसके बाद में आर्थिक युद्ध क्या होते हैं उनके साधन कौन कौन से होते हैं आर्थिक युद्धों के बारे में पढ़ लेना। भया दहन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप इसको टिक लगाइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट से कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ठीक है। जिसे कहते हैं भयाधुन क्या होता है इसके प्रकार इसके भयाधुन के युद्ध की नीति क्या थी उसके बारे में उसकी समीक्षा करूँ उनके महत्व के तत्वों के बारे में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा रासायनिक युद्ध होता है उसके प्रभाव कौन कौन से होते हैं आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में राजनीतिक युद्ध के बारे में याद करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि युद्ध स्तर और उनके और युद्ध चक्र क्या होता है युद्ध स्तर और युद्ध चक्र क्या होता है इसके बारे में आपको याद करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुट योजना या कुट नियोजन भी बोलते हैं योजना को नीति भी बोला जाता है उसके बारे में और समरतंत्र में अंतर आपसे पूछ लेता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है समरतंत्र और कुट योजना कुट नीति से कहता है ठीक है। उसके बाद में है ये देखो ये बहुत इंपोर्टेंट है शीत युद्ध किसे कहते हैं ठीक है। और सीमित युद्ध क्या होता है नवीन शीत युद्ध के कारण क्या होते हैं और ये वाला ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको छोड़ देना ठीक है बोले ना युद्ध को छोड़ देना ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा है जैसे नाकाबंदी कहते हैं नाकाबंदी टिप्पणी लिखी मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्लॉकेड से बोला जाता है नाभिक युद्ध इज मोस्ट इंपोर्टेंट नाभिक युद्ध है ठीक है। और क्लाडिस के युद्ध की नीति क्या होती है इसके संबंध के बारे में इसको पढ़ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बेस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। और तरण समर्थंत्र के बारे में छोड़ देना कोई परमाणु युद्ध प्रभाव के बारे में देखना परमाणु युद्ध जब होता है तो क्या इफेक्ट हो सकता है और जीवाणु युद्ध के बारे में बस इतना पढ़ लेना। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% ला सकते हैं मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर लेना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय।